themes that you are most bullish on today? ये 50 साल का थीम है अगर आप देखा जाए तो ईवी का ये एक थीम नहीं ये तो कॉन्सेप्ट है पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया राइट ये 50 साल की थीम राइट तो मेरे को ये ईवी का थीम लग रहा है दूसरा मेरे को एक लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसके अंदर में बूम शुरू हो चुका है उसमें ऑलरेडी 6-8 महीना एंड आई सम टाइम फील दैट व्हाट हैपेंड बिटवीन 2003 and 2007 इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक सेम थिंग सेम ईरा इज गोइंग टू बी रिपीटेड नाउ हियर ऑनवर्ड्स यू नो बिकॉज नाउ गवर्नमेंट इज बेंट अपॉन you know spending money to create infrastructure yeah I mean private capex is also has just started they are saying that now private capex has reached a private capacity utilization has reached some 75-80% so this is the high time that now the private capex will start so any companies or any theme catering to these theme will flourish right and that bull market market should last again for 4-7 years so I think this is a red hot theme I personally feel sure besides many other themes also welcome to ICS आज के इस वीडियो में ऐसे लेटेस्ट पेनी स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे जिनमें वेटरन इंडियन इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया ने इन्वेस्ट किया है मिस्टर विजय केडिया ने अतुल ऑटो में अपना स्टेक बढ़ा दिया है ही बिलीव्स इन द ईवी स्टोरी ऑफ अतुल ऑटो केडिया इस कंपनी के डायरेक्टर्स में से एक है दिस वॉज द स्टॉक दैट मेड मल्टी बैगर रिटर्न्स फॉर हिम एंड मेड हिम अ सेलिब्रेटेड इंडियन इन्वेस्टर ऑन द दलाल स्ट्रीट उन्होंने अप्रैल टू जून क्वार्टर में अपना स्टेक 7.05% से इंक्रीज कर 13.70% कर दिया है अतुल ऑटो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग थ्री व्हीलर कंपनीज में से एक है इसका मार्केट कैप 1400 करोड़ रुपीज़ है अतुल ऑटो लिमिटेड का एक स्टॉक करंटली 600 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है आई वॉज एन अर्ली इन्वेस्टर इनिशियली आई हैड इन्वेस्टेड इन 2003 and 2004 इनटू दिस कंपनी Then I exited in 2016 or 2017. Right. Then now again I re-entered. Mr. Vijay Keria has a risky approach of investment. These are the bets जिन में वे इसलिए invest करते हैं because his philosophy is that कि अगर in n number of stocks में से एक या दो या तीन भी multi-baggers निकल जाते हैं then his investments are well paid off. उनका portfolio बहुत diverse है और small cap companies से भरा पड़ा है. और वे कंपनीज के बारे में मैनेजमेंट लेवल की इंफॉर्मेशन जानते हैं विच इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट ही डज नॉट रियली फोकस मच ऑन एस्पेक्ट्स लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी डिविडेंड यील्ड एंड सो ऑन तो उन्होंने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है उनके फाइनेंशियल्स कोई बहुत एक्सलेंट नहीं है दे आर जस्ट ओके और बिलो एवरेज हैंस वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मच अबाउट दैट पर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें नाउ द सेकेंड स्टॉक इन मिस्टर विजय केडिया'स पोर्टफोलियो इज पटेल इंजीनियरिंग ही इन्वेस्टेड इन पटेल इंजीनियरिंग सम 4-5 months बैक तो करंटली मिस्टर विजय केडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ स्टोरी पर काफ़ी बुलिश है और पटेल इंजीनियरिंग इसी सेगमेंट को कैटर करती है यह डैम्स ब्रिजेस टनल्स रोड्स हाइड्रो इरिगेशन अर्बन स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन करती है इसका मार्केट कैप 4000 करोड़ रुपीज़ है और करंट स्टॉक प्राइस 56 Indian rupees है हाल ही में इसने अपना डेट कम किया है देन नेक्स्ट मिस्टर विजय केडिया हॉस्पिटल थीम में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे थे बिकॉज ऑफ दैट ही इन्वेस्टेड इन शेल्बी लिमिटेड शेल्बी के पास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की चेन है अक्रॉस इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेल्बी लिमिटेड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में ग्लोबल लीडर है और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स में से एक है इसका मार्केट कैप है 2500 करोड़ रुपये और शेयर प्राइस 250 रुपीज़ के करीब रहता है देन तालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है यह गास्केट्स और फोर्जिंग मैन्युफैक्चर करती है इसका 66% रेवेन्यू गास्केट्स डिवीजन से आता है पिछले एक साल में इसका स्टॉक प्राइस 117% से बढ़ा है यह 22% की प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है इसका मार्केट कैप 1200 करोड़ रुपीज़ और मार्केट प्राइस 1000 रुपीज़ है फिर है दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट पिगमेंट प्रोड्यूसर कंपनी सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज सुदर्शन केमिकल ढेर सारे ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स और इफेक्ट पिगमेंट्स बनाते हैं पिगमेंट्स के अलावा सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स साइज रिडक्शन इक्विपमेंट एंड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स भी बनाती है इसका मार्केट कैप है 3000 करोड़ रुपीज़ करंट प्राइस 500 रुपीज़ है और डिविडेंड पे आउट 26% का है
इन्वेस्टर विजय केडिया ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 800 रुपीस पर शेयर के प्राइस पर बाय किया था। आज इसका शेयर प्राइस बढ़कर 4000 रुपीस हो गया है। यह इंडिया में अपने नीश का टॉप प्लेयर है। यह एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर, रिपेयर वो मेंटेन करती है। इसका मार्केट कैप 1,31,000 करोड़ रुपीस है। ROCE 30% और ROE 27% है। इट्स गिविंग अ डिविडेंड पे आउट ऑफ 29%। मिस्टर विजय केडिया ने ऑप्टिकल फाइबर्स और डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी तेजस नेटवर्क्स में भी काफ़ी समय से निवेश किया हुआ है। यह R&D टेलीकॉम इक्विपमेंट की ग्लोबल कंपनी है। तेजस नेटवर्क के पास टेलीकॉम यूटिलिटीज़, गवर्नमेंट और डिफेंस नेटवर्क से आने वाले क्लाइंट्स हैं। इसका करंट शेयर प्राइस 900 रुपयों के करीब रहता है। तेजस नेटवर्क्स इज मिड कैप कंपनी विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 14,500 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट स्टॉक इस तरफ सिया राम सिल्क मिल्स लिमिटेड। दिस इज़ अ प्रॉफिटेबल कंपनी। यह मेंस वेयर सेगमेंट में फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है और इन्हें आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर अच्छे प्रॉफिट्स बनाती है। इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ रुपीज़ है। करंट शेयर प्राइस 500 इंडियन रुपीज़ है। 27% ROCE है। ROE 23% है। सियरा मिल्स 148% का डिविडेंड पे आउट दे रही है। वैभव ग्लोबल लिमिटेड UK और US में ज्वेलरी, एक्सेसरीज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। इसका मार्केट कैप 7000 करोड़ रुपीज़ है और शेयर प्राइस 450 रुपीज़ है। यह स्टॉक 55% का डिविडेंड भी दे रहा है। Another Indian investor, Mr. Bharat Shah, is also invested in this stock. Mr. Vijay Kedia ने futuristic company Affordable Robotic and Automation Limited के stock में भी opportunity identify की है। इसका market cap 700 करोड़ रुपीज है। Current price 700 रुपीज है। यह warehouses और industrial automation के लिए truck loading, conveyor, line automation जैसी next generation services offer करती है। Then, Mr. Vijay Kedia is also invested in the market leader firm of a very unique niche of camshaft business. इस niche की market leader company Precision Camshafts Limited का camshaft industry में 70% market share है। यह passenger vehicles, tractor, light commercial vehicles के लिए 150 से ज़्यादा तरह के camshafts इंडिया व ग्लोबली मैन्युफैक्चर कर सप्लाई करता है। देन स्टॉक्स लाइक एलिकॉन इंजीनियरिंग, हेरिटेज फूड्स, इनोवेटर्स फसाड, न्यू लैंड लैब, रेप्रो इंडिया एंड महिंद्रा हॉलीडेज भी इंडियन इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया के पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट स्टैक होल्ड करते हैं। अगर आप मिस्टर विजय केडिया के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी व रिमेनिंग स्टॉक्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।